मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। सांसद बनने के बाद से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में छाए रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को इस बार कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी है। एन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के इस बयान से विपक्षी दलों को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस कारण भाजपा ने तो कंगना के बयान से किनारा किया ही, अब खुद कंगना को माफीनामा जारी करना पड़ा है। नमस्कार, मैं वैष्णवी हूं और आप देख रहे हैं द बिग फेसेस। हिमाचल प्रदेश में मंडी से पहली बार सांसद बनी कंगना रनौत ने बीते दिनों तीनों कृषि कानून को फिर से लागू करने की पैरवी की थी। अब कंगना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिछले दिनों मीडिया ने उनसे कृषि कानूनों को लेकर कई सवाल किए थे। इसी के जवाब में उन्होंने ये सुझाव दिया कि किसानों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना चाहिए। कंगना ने कहा कि जब कृषि कानूनों को लागू किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों की आपत्ति के बाद प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ऐसे में हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके यानी प्रधानमंत्री जी के शब्दों की गरिमा रखें। कंगना ने आगे कहा कि मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ। इस कारण मेरी निजी राय अब उतनी महत्व नहीं रखती है। ऐसे मामलों में पार्टी का स्टैंड ही अंतिम होना चाहिए। इसलिए अगर मेरे शब्दों में से किसी को निराशा हुई है तो इसके लिए वो अपने शब्द वापस लेती है। गौरतलब है कि कंगना ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें पता है कि उनके बयान का विरोध होगा, फिर भी उनका मानना है कि देश के किसानों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो थ्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसान। कंगना रनौत के बयान का विपक्षी दलों के साथ ही किसान संगठन भी विरोध कर रहा है। इस कारण भाजपा को भी उनके बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। विदित है कि कंगना पूर्व में भी किसान आंदोलन को लेकर कई विवादित टिप्पणियां कर चुकी हैं, जिस कारण भाजपा को उनके बयानों के चलते किरकिरी का सामना करना पड़ा।
इस बार कंगना को खुद माफी मांगकर विवाद शांत करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। द बिग फेसेस में फिर किसी बड़े चेहरे की बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।